गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। टुडे इज़ 5 जून 2020 और आज हम आज का द हिंदू पेपर डिस्कस करेंगे। तो आइए द हिंदू न्यूज़। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन दबा ले जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है इंडिया चाइना डायलॉग टू फोकस ऑन थ्री एरिया। इंडिया चाइना डायलॉग टू फोकस ऑन थ्री एरिया। इंडिया और चाइना के जो डायलॉग है उनको लेके अभी बात चल रही है कि उनको कंटिन्यू करेंगे। मतलब अभी हाल ही में आप देख रहे होंगे कि इंडिया और चाइना के बीच में जो है वो बहस हो गया था किसी ज़मीनी टुकड़े को लेके। तो उसको लेके उन्होंने कहा है कि वो डायलॉग को करेंगे, मतलब बातचीत करेंगे लेफ्टिनेंट जनरल टू एम टू रिटर्न टू प्री मई 5 पोजीशन, यानी कि मई 5 से पहले वाली जो पोजीशन थी उस पर वापस आने की बात हो रही है कि उस पर वापस आ जाएगा जो मई 5 से पहले की सिचुएशन थी। LAC जो है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, आप देख रहे होंगे यहाँ पे। तो इनको लेके बात चल रही थी और कहाँ पे होगा ये, अभी जो मैंने ये टिक किया है पैंग्सो, तो वहाँ पे होगा। अगला है न्यू SOP फॉर होटल और मॉल। नए SOP आ रहे हैं किसके लिए, होटल और मॉल्स के लिए। होटल्स और मॉल्स में आपको सिर्फ असिम्पेटिक स्टाफ और गेस्ट को अलाउ किया जाएगा। क्या होगा असिम्पेटिक, और SOP की फुल फॉर्म क्या होती है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। और उसमें किसको अलाउ किया जाएगा, सिर्फ असिम्पेटिक स्टाफ और गेस्ट को अलाउ किया जाएगा। और आप देख रहे होंगे कि केसेस जो है दिन ब दिन कितने बढ़ते जा रहे हैं, तो उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने नया SOP जारी किया है होटल और मॉल्स के लिए कि सिर्फ असिम्पेटिक स्टाफ और गेस्ट को अलाउ किया जाएगा। और इंडिया का जो केस है वो प्रतिदिन आप देख रहे होंगे ऑन एन एवरेज यहाँ पे 7300 केसेज जो है वो प्रतिदिन बढ़ रहे हैं ऑन एन मई 28 से जून 3 के बीच में। ये डाटा मई 28 से जून 3 के बीच का है जिसमें दिखाया गया है कि इंडिया में 7300 केसेस प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, जिससे इंडिया जो है एवरेज केस में फोर्थ नंबर पे आ गया है, एवरेज केस में फोर्थ नंबर पे आ गया। अगला है सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चन इंटरेस्ट ड्यूरिंग मोरेटियम। अगला आपका है सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चन इंटरेस्ट ड्यूरिंग मोरेटियम। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आरबीआई की कैसी रेगुलेटरी पैकेज है जिसमें जिस चीज़ जो पैसे नहीं लिए गए हैं उसका इंटरेस्ट क्यों लिया जाएगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। इसको लेके सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चनिंग कर रही है। अगला न्यूज है 26 लाख माइग्रेंट इन हाफ वे हाउसेस। 26 लाख माइग्रेंट जो है वो घर से बेघर हो गए, ऐसा ऑफिशियल डाटा में कहा गया। ऑफिशियल डाटा में क्या कहा गया, 26 लाख मजदूर जो है वो घर से बाहर हो गए। आप पिक्चर में देख रहे होंगे कि माइग्रेंट वर्कर जो है उड़ीसा से वो अपने स्टैंडर्ड घर से बाहर खड़े हैं, उनको रहने की जगह नहीं मिल गई। अगली न्यूज देखते हैं। अगली न्यूज है आपकी सुप्रीम कोर्ट आस्क सेंटर स्टेट टू डिवाइड कॉमन पास सिस्टम फॉर NCR। सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर से कहा है कि स्टेट से कहो कि कॉमन पास सिस्टम हो NCR के लिए। आपको पता होगा NCR में कौन कौन से स्टेट आते हैं, दिल्ली, UP और हरियाणा। तो अलग अलग आसपास के स्टेट होने के बावजूद इनमें अलग अलग जो है वो लिए जा रहे हैं, अलग अलग पासेस लिए जा रहे हैं। तो उसको लेके सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को कहा है कि कॉमन पास सिस्टम करो NCR के लिए, नेशनल कैपिटल रीजन के लिए कॉमन पास सिस्टम करो जिससे एक व्यक्ति को प्रॉब्लम ना हो। अगर वो NCR में जॉब करता है तो उसको प्रॉब्लम ना हो एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाने में, ऐसा इंटर स्टेट मूवमेंट अगेंस्ट MHA गाइडलाइन के खिलाफ हो रही है, ऐसा प्ले में कहा गया है। क्योंकि उसने MHA की गाइडलाइन में है कि आप आराम से आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत वो हो रहा है। और आप जानते होंगे कि दिल्ली में 8 जून से है जो है सब कुछ बंद कर दिया गया, मतलब 8 जून तक के लिए बॉर्डर को सील कर दिया गया। उसके तहत किसी ने ये प्लेयर डाला था कि सुप्रीम कोर्ट उसको सेंटर कहा है कि कॉमन पास सिस्टम करो NCR के लिए। हमारी अगली न्यूज है स्मॉल ड्रॉप इन जॉबलेसनेस इन 2018-19 PLFS। PLFS ने कहा है कि जॉब लॉस जो है बहुत कम हुआ है एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर, यानी कि ये जो डाटा है 2018-19 का है, आप देख रहे होंगे 2017-18 में जो है ये हाई था 6.1%, जो कि 2018-19 में कितना हो गया है 5.8%। तो PLF का कहना है कि जॉब लॉसेज जो है वो कम हुए हैं। तो अगला न्यूज है गोयल जो कि हमारे रेलवे के साथ साथ कॉमर्स मिनिस्टर, उन्होंने कहा है कि कट प्राइसेस क्लियर बिल्डिंग स्टॉक, कि प्राइसेस कम करके बिल्डिंग स्टॉक्स को जो है क्लियर कर लो। तो गोयल जी का कहना है कि ये जो है रिटेलर को उन्होंने बताया कि सिचुएशन जो है बहुत जल्दी ठीक नहीं होने वाला, तो इसीलिए प्राइसेस को कम करके जो भी आपके स्टॉक्स है बिल्डिंग के उनको क्लियर कर लो जी, क्योंकि ये सिचुएशन दिन ब दिन और वर्स होने की कंडीशन है।
ये बहुत बड़ी न्यूज है। कोविड-19 के केसेस जो है दिल्ली में वो 25,000 मार्क को क्रॉस कर गए, 25,000 मार्क को क्रॉस कर गए कोविड-19 के केस। दिल्ली ने रिपोर्ट करा 1,359 केसेस। अगली न्यूज पे चलते हैं। हमारा अगला न्यूज है, नो सेमेस्टर एग्जाम फॉर इंटरमीडिएट ईयर स्टूडेंट। कोई भी सेमेस्टर एग्जाम नहीं होगा इंटरमीडिएट ईयर स्टूडेंट का, ऐसा डीयू ने कहा कि इंटरमीडिएट। अगला न्यूज है, गवर्नमेंट मूव टू हाइक वैट ऑन फ्यूल कॉन्ट्रा प्रोडक्टिव। गवर्नमेंट जो है वो वैट बढ़ाने वाली है फ्यूल कॉन्ट्रा प्रोडक्टिव पे, मतलब गवर्नमेंट जो है एक तरह से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने वाली है। वो नियर बाय कंट्री के, नियर बाय स्टेट के रिस्पेक्ट में देखा गया है कि इतना डिफरेंस है। कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल जो है, कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल उनको फुली कोविड-19 हॉस्पिटल करने जा रहे हैं, फुली कोविड-19 हॉस्पिटल करने जा रहे हैं। तो उसको लेके गवर्नमेंट ने इससे पहले कहा था 20% बेड होंगे, लेकिन अब गवर्नमेंट का कहना है कि फुली कोविड-19 होंगे। अगली न्यूज पे चलते हैं। हरियाणा गवर्नमेंट जो है वो स्कूल ओपन कर रही है जुलाई से। बसेस स्टार्ट फ्लाइंग ऑन इंटर स्टेट रूट फ्रॉम वेटनरी। बुधवार से बसेस चालू हो गई है और स्कूल जो है कब से चालू होंगे, जुलाई से। कब से चालू होंगे, जुलाई से। अगली न्यूज पे चलते हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। अब हम करेंगे एडिटोरियल। एडिटोरियल का टॉपिक है आपका स्काई रॉकेटिंग टेंशन। स्काई रॉकेटिंग टेंशन यानी टेंशन जो है दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। यूएस एंड चाइना मस्ट बिल्ड म्यूचुअल ट्रस्ट टू अवॉइड अ न्यू काइंड ऑफ कोल्ड वॉर। यूएस और चाइना के बीच में एक म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए कोल्ड वॉर के नए तरीके को खत्म करने के, रोकने के लिए या ख़त्म करने के लिए। तो ये हमारा एडिटोरियल है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यूएस गवर्नमेंट डिसीजन टू बायर पैसेंजर प्लेन फ्रॉम चाइना फ्रॉम जून 16 इज बट अनदर इंस्टेंट ऑफ राइजिंग टेंशन बिटवीन द टू कंट्री। यूएस गवर्नमेंट का जो डिसीजन है पैसेंजर प्लेन को चाइना से जून 16 से बंद करने का, वो अनदर इंस्टेंट है, टेंशन जो बढ़ रही है उसमें और एक और कदम है। अ ट्रेड वॉर विच प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप लॉन्च इन 2018 इज येट टू बी रिजॉल्व फुली। एक ट्रेड वॉर जिसे प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने 2018 में चालू किया था वो अभी भी रिजॉल्व होना बाकी है। इन रिसेंट मंथ मिस्टर ट्रंप एंड अदर ऑफिशियल इन द एडमिनिस्ट्रेटर हैड अटैक चाइना ओवर इट्स हैंडलिंग ऑफ द कोविड-19 पेंडेमिक। हाल ही के महीनों में मिस्टर ट्रंप और अदर ऑफिशियल जो है उनके एडमिनिस्ट्रेशन में, उन्होंने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली चाइना पर अटैक किया है और हैंडलिंग ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक्स को लेकर, कोविड-19 को लेकर उनका मानना है कि चाइना इज रिस्पॉन्सिबल। यूएस हैज ऑल्सो डिसाइडेड टू एंड हांगकॉन्ग स्पेशल ट्रेड स्टेटस इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट बीजिंग मूव टू इंट्रोड्यूस अ न्यू नेशनल सिक्योरिटी लॉ फॉर द स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन। यूएस ने यह भी डिसाइड किया है कि वो हांगकॉन्ग स्पेशल ट्रेड स्टेटस को ख़त्म करेंगे जो कि प्रोटेस्ट में है अगेंस्ट बीजिंग मूव टू इंट्रोड्यूस अ न्यू नेशनल सिक्योरिटी लॉ फॉर स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन के लिए जो न्यू लॉ आ रहा है उसके अगेंस्ट में। तो इसके बाद रिपीटिंग टारगेटिंग ऑफ चाइना बाई वॉशिंगटन एंड बीजिंग रिटेलरी मूव मेक इट लुक लाइक द वर्ल्ड लार्जेस्ट और सेकेंड लार्जेस्ट इकॉनमी हैव एंटर अ न्यू कोल्ड वॉर। ऐसा लग रहा है कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट और सेकेंड लार्जेस्ट इकॉनमी जो है वो नए कोल्ड वॉर में एंटर कर रही है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिशियल से द डिसीजन ऑन फ्लाइट इज इन रिस्पॉन्स टू चाइना रिफ्यूजल टू अलाउ यूएस एयरलाइन टू रिज्यूम फ्लाइट टू द कंट्री। एडमिनिस्ट्रेटर का कहना है कि ये जो डिसीजन लिया गया है फ्लाइट पे वो चाइना के मना करने पे लिया गया, चाइना ने रिफ्यूज कर दिया यूएस एयरलाइन को, तो इसलिए यूएस ने ऐसा फैसला लिया है। चाइना हैड इंट्रोड्यूस रिस्ट्रिक्शन ऑन इंटरनेशनल फ्लाइट इन मार्च इन द वेक ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक। चाइना ने रिस्ट्रिक्शन लगाई थी इंटरनेशनल फ्लाइट पे मार्च में इन द वेक ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक, और मोस्ट ऑफ दिस कर जो है स्टिल इन प्लेस, अभी भी लगाए हुए हैं। डिस्प्यूट सच एज दिस कुड बी रिजॉल्व थ्रू टॉक एंड कॉपरेशन। डिस्प्यूट ये है कि ये ऐसी बातें जो है सिर्फ बातचीत से सॉल्व हो सकती है। चाइना हैज ऑलरेडी सेंट सिग्नल ऑफ डी एस्केलेशन अलाउंग फॉरन एयरलाइन टू रिज्यूम फ्लाइट। चाइना ने अपनी मतलब डिसलेशन दिखा दी है, अपनी कमजोरी दिखा दी है कि वो रिज्यूम कर रहा है फ्लाइट ऑन अ लिमिटेड स्केल स्टार्टिंग जून 8 से। वेदर और नॉट हो या ना हो, मिस्टर ट्रंप एज ए रीथिंग, उन्हें दोबारा तो सोचना पड़ेगा। द लार्जर प्रॉब्लम इज द यूएस ओवरऑल अप्रोच टुवर्ड्स चाइना। जो लार्जर वो है वो यूएस की ओवरऑल अप्रोच है टुवर्ड्स चाइना को लेकर, विच वाज टेकन एन इंक्रीजिंगली हॉस्टाइल टर्न इन लास्ट 4 ईयर, जिसने बहुत ही दयनीय स्थिति ले ली है पिछले 4 सालों में। फ्रॉम ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी टू द
फ्रॉम ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी टू द पैंडमिक एंड हांगकॉन्ग द बैटल लाइन्स हैव बीन ड्रॉ, बैटल लाइन्स खिंच गई है। चाइना विच द पेंटागन कॉल्ड अ रिविजनिस्ट पावर कहलाता है 2018 में, द मेन राइवल ऑफ वॉशिंगटन, वो मेन राइवल है वॉशिंगटन का। ए पोजिशन विद द सोवियत यूनियन हेल्ड ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर, एक पोजिशन जो सोवियत यूनियन के पास थी कोल्ड वॉर के दौरान। टाई बिटवीन चाइना एंड यूएस आर स्टिल नॉट एज बैड, अभी भी उतनी बुरी नहीं है एज देवर बिटवीन द सोवियत यूनियन एंड यूएस, बीजिंग एंड वॉशिंगटन आर स्टिल इकोनॉमिकली एंड फाइनेंशियली इंटेंगल, जैसे यूएस और उसके बीच में था। द वर्ल्ड इज नॉट डिवाइडेड इंटू टू आइडियोलॉजिकल ब्लॉक्स, टू आइडियोलॉजिकल ब्लॉक्स में नहीं डिवाइड होता है एज इट हैड बीन ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर, जो कि कोल्ड वॉर के दौरान था। द पॉसिबिलिटी ऑफ मिलिट्री द पॉसिबिलिटी ऑफ मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन जो है वो बहुत कम है, बट द एरा ऑफ कॉपरेशन पीसफुल ट्रेड एंड पैरगमेटिज्म दैट है डिफाइन द यू एस चाइना पार्टनरशिप, जो डिफाइन करता है यू एस चाइना पार्टनरशिप को सिंस प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन रिसर्ट इन 1970 में, सीम्स टू हैव मेड वे फॉर एन एग्रेसिव लीडरशिप कॉन्टेस्ट और डीपनिंग म्यूचुअल इंटरेस्ट में उसको काम में लाया जाएगा। एंड विथ इसके साथ मिस्टर ट्रंप डेस्परेटली लुकिंग फॉर अ एनमी, एक एनमी को ढूंढ रहे हैं टू ब्लेम फॉर द मिसफॉर्चुनेट डेट फेल ऑन अमेरिका हुआ है इलेक्शन ईयर में, डेट हैज बीन बेटर बाय द पेंडेमिक के द्वारा एंड डीपेस्ट इकॉनमी डाउन, और इकॉनमी का जो डाउन हुआ है उसको लेके एक एनमी ढूंढ रहे हैं जिसको वो कह सके। सिन द ग्रेट डिप्रेशन टेंशन विद चाइना आर एक्सपेक्टेड टू स्काई रॉकेट, बढ़ने वाला है इन द कमिंग मंथ, आने वाले महीनों में। वॉशिंगटन वॉन्टेड एनमी, उन्हें शत्रु चाहिए था, एट फाउंड इट इन चाइना, और से चाइना में मिल गया। अनलेस द लीडर ऑफ बोथ कंट्री चेंज देन कोल्ड, अपना आइडिया नहीं बदलते, रिबिल्ड द लॉस्ट म्यूचुअल कॉन्फिडेंस नहीं गिरते, अ न्यू काइंड ऑफ कोल्ड वॉर वुड बी फोर्स्ड अपॉन द वर्ल्ड, एक नए तरह का कोल्ड वॉर जो है वो वर्ल्ड पे छाया हुआ है। ये हमारा एडिटोरियल था, अगर आपको एडिटोरियल अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ में बेल आइकन दबा ले। अगली न्यूज पे चलते हैं। अपोजिशन और एनडीए डिवाइड हो गए हैं ऑनलाइन हाउस पैनल मीटिंग पे, अपोजिशन और एनडीए जो है वो डिवाइड हो गए ऑनलाइन हाउस मीटिंग पे। अकाली दल और एलजीपी सपोर्ट कर रहा है जबकि एसपी बीएसपी जो है अपोज कर रहा है। आपको पता होगा कोविड 19 के चलते अब हाउस पैनल की मीटिंग जो है वो ऑनलाइन होने की बात चल रही है, उसको लेके ये न्यूज है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया मीट स्ट्रेंथन टाई, इंडिया ऑस्ट्रेलिया की जो मीटिंग हो रही है उससे मजबूती बढ़ेगी, मॉरिसन जो है स्कॉट मॉरिसन क्या है ऑस्ट्रेलिया के पीएम है। कंपनसेशन फॉर जीएसटी लॉस गिवन टिल फरवरी, ऐसा कॉमर्स मिनिस्ट्री का कहना है कि कंपनसेशन जो है वो सिर्फ फरवरी तक दिया जाएगा जीएसटी लॉस का। वंदे भारत मिशन सेट टू ब्रेक इवैक्यूएशन रिकॉर्ड, इवैक्यूएशन रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। ड्यूरिंग गल्फ वॉर एयर इंडिया ने 1.76 लाख नेशनल को लेकर आए थे और अभी टोटल 3,48,565 लोगों ने अप्लाई करा है, अगर इनको लेके आ जाती है तो ये अपने आप में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा इवैक्यूएशन का। अगला है पीएम प्राइवेट सेक्रेटरी टोपनो गेट्स वर्ल्ड बैंक असाइनमेंट, पीएम के जो प्राइवेट सेक्रेटरी है टोपनो, उन्हें वर्ल्ड बैंक का असाइनमेंट मिला है, वर्ल्ड बैंक असाइनमेंट मिला है उनको। ज्वाइंट सेक्रेटरी नवनीत को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भेजा गया है, तो आप देख रहे हैं इंडिया के लोग जो है वो फॉरेन ट्रेड्स में ज़्यादा जा रहे हैं, ये इंडिया के लिए बहुत अच्छी बात है। ब्रिंग पीएम केयर फंड अंडर आरटीआई सेपिया, एक किसी ने सुरेंद्र सिंह हुड्डा जी है उन्होंने प्लेयर डाला है कि पीएम केयर्स फंड को आरटीआई के तहत लाया जाए, उसको लेके न्यूज है। नो एक्शन अगेंस्ट एम्प्लॉयर फॉर नॉट पेइंग वेज, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एम्प्लॉयर के खिलाफ कोई केस नहीं होगा अगर वो पे नहीं करते हैं तो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, साथ में दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन दबा लें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको।